हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ये बताने वाले मेरे हस्बैंड, तो ये बताएंगे क्यों आज का वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोगों ने पहली बार हमें एक साथ ऐसे बैठ के कोई वीडियो बनाते हुए देखा होगा, तो बात ही कुछ ऐसी है क्योंकि ये हुआ आप लोग की वजह से। ये काफ़ी खुश हैं, ये चाहती थी कि ये बात आप लोगों से शेयर किया जाए, तो सोचे कि चलिए व्लॉग बनाते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते रहते, तो कुछ कमेंट्स के जवाब भी हम देंगे और काफ़ी आते कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो उसके बारे में भी बताएंगे और थोड़ी बहुत और बातचीत करेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो बात है 22nd ऑफ जून, जो कि हमारी एनिवर्सरी का दिन था। बहुत ज़्यादा स्पेशल डे, हमारी पहली एनिवर्सरी। और उस दिन अचानक से इसको यूट्यूब ने एक गिफ्ट भेज दिया, जो कि हुआ आप लोगों के बदौलत ही, हमारी यूट्यूब फैमिली के बदौलत। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब वो क्या चीज़, अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो में बने रहिए, वो आपको हम बताएंगे वीडियो के आखिर में। तो अभी पहले बात कर लेते हैं कि लोग पूछते रहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरपुर से, बट प्रेजेंटली हमारे पूरे परिवार सेटल हो गए हैं बोकारो में। बोकारो झारखंड में भी सेटल्ड है वहाँ पे। तो मैं अपने आप को दिल से तो बिहारी मानता हूँ। और ये अब बताएगी कि ये कहाँ से बिलोंग करती है। वैसे मेरी बीवी है तो मेरे साथ ही बिलोंग करेगी, बट ये पली बड़ी कहाँ पे है बता दो थोड़ा। हाँ, सो मतलब क्या बोलूँ, तो मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी। एंड सिलीगुड़ी में एग्जैक्ट जगह बता देती हूँ, तो आप लोग अगर जो आसपास में होंगे तो आप लोग एकदम पता भी चल जाएगा कहाँ पे। तो मैं सिलीगुड़ी चंपा साड़ी एक फेमस ही जगह का नाम है, प्लेस है। तो चंपा साड़ी साइड से मैं बिलोंग करती हूँ, सिलीगुड़ी से हूँ मैं, बेसिकली सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। बहुत फेमस जगह से बिलोंग करती है चंपा साड़ी, चंपा की साड़ी, पता नहीं क्या है चंपा साड़ी। नहीं, किसी को पता नहीं होगा, मुझे पता है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मतलब कि सिलीगुड़ी अगर नाम ले और चंपा साड़ी बोले, जैसे चंपा साड़ी हो गया, सेवक रोड। कोई बात नहीं दोस्तों, इसे माफ करना है, थोड़ा ज्यादा बोल देती। नहीं, ये सब नाम लेना तो फिर आदमी लोग पहचान लेते हैं, तो बस यही है और कुछ नहीं। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, और क्या बताना है। और हाँ, बहुत लोग पूछते थे दीदी आपका लव स्टोरी। तो हम लोग एक मिनट, तो ये लव स्टोरी वाला जो बात है, तो इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। अब घर की मुर्गी दाल बराबर अब तो फंस ही गए हैं, तो बताएंगे किसी अगले वीडियो में, देखते हैं। इस वीडियो में अगर ये वीडियो चलता है, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो हम अपने लव स्टोरी के बारे में ऐसे ही बैठ के बताएंगे कि कैसे शुरुआत हुई और कैसे मेरा अंत हुआ। नहीं, कैसे इसकी शुरुआत हुई और मेरा अंत हुआ, कुछ अंत नहीं। वाह क्या सीन है। और हम आपके साथ छोटे छोटे क्लिप्स भी शेयर करेंगे, मतलब जो भी हमारी जो भी कुछ थी पहले की, पास्ट की, बहुत सारी चीजें, तो हम आपसे शेयर करेंगे। एंड हम सोचे कि लव स्टोरी वाली वीडियो ना थोड़ा अच्छा एक चीज और आप मुझे बताइए कि मैं बियर्ड में कैसा लग रहा हूँ। वैसे मैं ये रख नहीं सकता हूँ, अभी रखा हुआ है, तो कैसा लगा थोड़ा ये बताइएगा। अभी छुट्टी में चल रहे तो फिर इसलिए बियर्ड रखे। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। एंड एक चीज और बोलना था आप लोग सभी से कि आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं हम सभी से, और हमारे जोड़ी को भी बहुत पसंद करते हैं। एक चीज और, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि हमारा एक दो वीडियो जिसमें लोग बस ऐसे थंबनेल लेके कमेंट कर रहे थे कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, कैसे वीडियो डाल रहे हो। अरे वीडियो तो पूरा देख लीजिए एक बार कुछ। अरे हम, मुझे पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं हेड्स तो कहीं टेल। नहीं लेकिन अब क्या करें, कुछ सारे पॉजिटिव में से एक दो तो नेगेटिव मिलेंगे ही, जो नेगेटिव कमेंट करेंगे, लेकिन अच्छा है, उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो अब फाइनली मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि बता देना चाहिए कि क्या सरप्राइज आया। सबका कमेंट हम लोग रिप्लाई करते हैं, एंड सबका कमेंट रिप्लाई करते करते हो जाता है ना कि याद भी हो जाता है नाम्स वगैरह। तो बहुत मतलब कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स भी है जो हम एकदम नाम ही याद हो गया हम लोग भाई ऐसे ही। एक चीज के लिए और माफ करिएगा, इसको हिंदी नहीं आता नाम्स, तो ये थोड़ा बंगाली टाइप की आदमी है, तो नाम्स नहीं। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को समझो वगैरह। वीडियोस को पूरा देखिए और
एज अ कपल हम कैसे लगते हैं ये भी बताइएगा। अगर मुझे रिप्लेस करवाना चाहें तो अब तो कुछ चांस है नहीं रिप्लेस करने का, लेकिन ये शायद हो जाए। मजाक कर रहे हैं, देखे डर ऐसा कुछ भी नहीं है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। तो अब फाइनल रिवील करते हैं। तो YouTube ने हमें, जैसे आपको पता था हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया, अभी लगभग उन्होंने 12000 की फैमिली बना ली है, 12000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं। तो उन 12000 लोगों को हमारे तहे दिल से शुक्रिया, इसके दिल से, मेरे भी दिल से। तो हमें मिला है ये गूगल एडसेंस कप पे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसको पाके ये काफी खुश हो गई। एंसर बताएं, हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। ज्यादा खुश तो और हो गए कि हमारे एनिवर्सरी के दिन ही पहुंचा, मतलब जैसे बेल मतलब आई तो हम सोचे कि क्या आया होगा। मुझे लगा कि ऐसे चलो कुछ भी नॉर्मल कुछ होगा, पर जैसे देखिए यूट्यूब से एडसेंस भी हो गया एनिवर्सरी के दिन, इतना ज्यादा खुश। इसको खोल के नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कुछ यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो इसको खोल के नहीं दिखा सकते हैं। बट पिन तो आ गया है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा, बट एक से ग्रेड का पिन है। बाकी देखते धीरे धीरे हम अपना फैमिली को कितना बढ़ाते हैं, देखते हैं हम लोग 50K और 100K कितने दिनों में पहुंचते हैं। क्या पता एक महीने में पहुंच जाए, क्या पता एक साल लगे, या क्या पता तारीख ही चलती रहे। नहीं, ये तो आपके प्यार पे डिपेंड करता है। मैं बोलना चाहूंगी कि अभी थोड़ा सा कम हो गया है, बहुत थोड़ा, पहले ज्यादा प्यार मिल रहा था, मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा कम हो गया। तो प्लीज गाइस, हमारी वीडियो को पूरा स्प्रेड करिए, थोड़ा सा पहुंचाइए, हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत है आप लोग से। बस ये बोलना चाहूंगी और बाकी आगे बताइए। बहुत ही बकवास कर लिया हम लोगों ने, आप लोग पक चुके होंगे। तो आजकल मैंने पकाना भी शुरू कर दिया है, तो क्या आप लोगों ने मेरा केक वाला वीडियो देखा है? नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। और अभी थोड़ा नए कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, वो आने वाला है। तो आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। हाँ, कर देते हैं समाप्त। तब तो लगभग 8-8.5 मिनट का वीडियो होने वाला है, 8 मिनट का होने वाला है। इतना तो ज़्यादा? बस ऐसे ही कुछ नया, अगर आपको कुछ चाहिए, चाहते हैं कुछ किस कंटेंट पे वीडियो बनाए, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कंटेंट बनाइए। जैसे इसको बहुत सारे लोग हेयर स्टाइल मेकअप से, इज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो लाएगी वो धीरे धीरे करके व्लॉग। अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा है, शेड्यूल हैप्टिक शेड्यूल है, तो उसमें दिक्कत होता है, लेकिन पक्का आएगा, है कि नहीं? जरूर आएगा। तो अब चलते हैं, अब रात के 12 बज गए तो सोना भी तो पड़ेगा। एंड सच में हम रात के 12 बजे ये वीडियो शूट कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, एंड बस अब ज्यादा। और हम लोग हिमाचल प्रदेश गए थे, वहाँ हम लोग मरते बचे, उसका भी व्लॉग आने वाला, तो जरूर देखिएगा। बस बाढ़ आ गया, एंड थोड़ी हमारी छोटी सी कार की एक्सीडेंट हो गई थी, नेक्स्ट वो day, भी आने वाला है, वो दूसरी जगह हो गई थी, तो बहुत सारा चीज हो गया। चलो आज के ब्लॉग को करते यहीं पे खत्म। ओके, चलिए बाय, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। टाटा।